कक्षा 8 विषय गणित प्रत्यक्ष अनुपात का सूत्र। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू, मैं आपका दोस्त हूँ। मैं खाता हूँ खूब सारी चॉकलेट, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, यमी। एक दिन जब मैं बाजार चॉकलेट लेने गया तो मैंने दुकानदार से एक चॉकलेट का मूल्य पूछा। दुकानदार ने बताया कि वह चॉकलेट 20 रुपए की है। तो मैंने मन में सोचा कि यदि मैं एक से अधिक चॉकलेट लूं, तो मुझे कितने रुपए देने होंगे। दुकानदार ने जो मुझे मूल्य बताया था उसके अनुसार मैंने एक सारणी बनाई। यदि चॉकलेट है 1, तो उसका मूल्य है 20 रुपए। यदि 2 चॉकलेट है तो उसका मूल्य है 40 रुपए। 4 चॉकलेट आएंगी 80 रुपए की। 5 चॉकलेट 100 रुपए की। और यदि मैं लेता हूं 10 चॉकलेट्स, तो उसके लिए मुझे देने होंगे 200 रुपए। यदि चॉकलेट की संख्या कम है तो उसका मूल्य भी कम है। यदि चॉकलेट की संख्या अधिक है तो उसका मूल्य भी अधिक ही है। इसी को हम कहते हैं प्रत्यक्ष अनुपात। प्रत्यक्ष अनुपात। आइए चॉकलेट की संख्या का उसके मूल्य से अनुपात ज्ञात करें। एक चॉकलेट 20 रुपए की है, तो 1 का 20 से अनुपात होगा 1/20। 2 चॉकलेट 40 रुपए की है, तो 2 का 40 से अनुपात होगा 2/40। इन्हें यदि हम आपस में काटें तो ये दोनों 2 के पहाड़े से विभाजित हो जाते हैं। 2 एकम 2 और 20 दुना 40, तो हमारा अनुपात आया है 1/20। इसी प्रकार 4 चॉकलेट है 80 रुपए की, तो 4 का 80 के साथ अनुपात होगा 4/80। इन्हें भी यदि हम काटें तो 4 एकम 4 और 20 चौके 80, तो हमारा अनुपात आया है 1/20। 5 चॉकलेट 100 रुपए की है, तो 5 का 100 से अनुपात होगा 5/100। इन्हें भी आपस में काटें तो 5 एकम 5 और 20 पंजे 100, अनुपात हमें क्या होगा 1/20। इसी प्रकार 10 का 200 से अनुपात होगा 10/200 और 10 और 200 आपस में कट जाएंगे 10 के पहाड़े पर। 10 एकम 10 और 20 दहे 200, हमें अनुपात प्राप्त होगा 1/20। अब यदि
चॉकलेट की संख्या को x माने और उसके मूल्य को y, तो पहली लाइन में हमें मिला था x1 बटा y1 बराबर आया 1 बटा 20, x2 बटा y2 भी आया 1 बटा 20, x3 बटा y3 भी आया 1 बटा 20, x4 बटा y4 और x5 बटा y5 भी हमारे पास आया है 1 बटा 20। तो हमने देखा हमारे सभी अनुपात आपस में बराबर हैं। इसका मतलब x1 बटा y1 हमेशा x2 बटा y2 के बराबर होगा और यह तभी होगा जब यह प्रत्यक्ष अनुपात में होंगे। तो आज हमने क्या किया, प्रत्यक्ष अनुपात के लिए सूत्र है x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्रत्यक्ष अनुपात के लिए सूत्र है x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। धन्यवाद।